मेरा आखिरी पेपर था आज, अभी वही देख कर आ रहा हूँ। और कैसा हुआ ये मत पूछना क्योंकि तुम्हारा मेरा इतना मजाक है नहीं, मजाक करो लेकिन फिर भी मत पूछना। और इस टाइम मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, यूँ ही एम ही बस जा रहा हूँ। Be a pilot, live the dream. They surely need a new place for this. Boys, इस टाइम आया हूँ वॉल्टन एयरपोर्ट और ये है एक असली का जहाज APBJW और अभी हम इसको उड़ाने वाले हैं। मजाक कर रहा हूँ। ये मेरा दोस्त सुजा इमरान, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बाय डे और पायलट बाय नाइट, आफ्टरनून, पायलट बाय आफ्टरनून। वेलकम एवरीबॉडी, आई एम सुजा इमरान, आई एम हियर एट एबोन एविएशन टुडे एंड विद रफी। रफी को मैं एफसी से जानता हूँ, एफसी में हम दोनों साथ इंटरमीडिएट में। तो अब आई एम डूइंग माय बैचलर्स आल्सो फ्रॉम एफसी एंड आई एम आल्सो ट्रेनिंग टू बिकम अ कमर्शियल पायलट। तो वी आर एट एबोन एविएशन, दिस इज एन एयरक्राफ्ट, दिस इज एन एयरपोर्ट एक्चुअल। तो आई हैव डन 91 फ्लाइंग आवर्स, आई हैव टू डू 190 इन ऑर्डर टू गेट माय कमर्शियल पायलट लाइसेंस। सो टुडे मी एंड रफी विल शो यू अराउंड एयरक्राफ्ट, अराउंड जहाज एंड हाउ इट फील्स एंड हाउ इट इज टू फ्लाई अ जहाज। स्टे ट्यून्ड। 1, 2, 3, 4, 5 or 6 We've got 6 planes. अगर आपको एविएशन रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो वो तो आप शुजा के चैनल पे जाएं, आई लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि जब आप यहाँ से गुजरें ना तो गर्दन नीचे करके गुजरें, ना बड़ी ज़ोर से लगती है। आप मुझे बताओ चाबी कहाँ लगानी है? चाबी तुमने वहाँ लगानी है लेकिन चाबी अभी नहीं लगानी तुमने। वैसे चाबी वहाँ लगती है, वो नीचे उसके बॉटम में चाबी लगती है। ओके अच्छा, दिस इज द एयरक्राफ्ट सेसना 152, अल्फा पापा ब्रावो जूलियट व्हिस्की, अल्फा पापा व्हिस्की, हाँ व्हिस्की। तो दिस इज द स्पीड एट व्हिच वी फ्लाई द एयरक्राफ्ट, दिस इज द आर्टिफिशियल होराइजन, ये बेसिकली स्काई द ग्राउंड दिखाता है रेफरेंस। दिस इज योर हाइट एट व्हिच यू आर फ्लाइंग, so it is 700 feet is the elevation of Lahore. This is the turn coordinator, this is your heading, this is your vertical speed indicator. इससे ये throttle कहलाता है, इससे आप power देते हैं जहाज को, इससे आप fuel control करते हैं। These are the flaps, ये trim, electrical lights, compass, engine power, tachometer जो check करता है कितना raise है, VOR, ILS components and this is the ailerons which we showed you. So this is all for and Cessna 152. भैया ऑक्स केबल है इसमें, ऑक्स केबल सब कुछ लग जाता है। ठीक है, इट्स गुड सीन। मैंने जहाज तो नहीं चला दिया, आवाज तो ऐसी आ रही है। सर धक्का देके स्टार्ट किया जाता है इसको, फुल गाड़ी बना मतलब। आवाज तो फुल सुजुकी वाली है वैसे, नो ऑफेंस। नहीं मेहमान वाली फील नहीं है, तुम स्टार्ट होते हो। अब इसमें बैठोगे? बैठो इस पे, ये दो मुझे इधर से बैठ लो। इसमें तो वो ही नहीं है, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद करने लगा। इसे बंद और वो ऐसे लॉक भी होना है, वो देखो वहां से लॉक होना है, ऐसे करो यहाँ से लॉक होगा, अब दरवाजा बंद होगा। नहीं अभी नहीं हुआ, ये जोर से करो, वो साइड टू साइड लेफ्ट नीचे, अब लॉक हुआ। यस ये सीन है। असिस्टेंट पायलट सुजा, मैं आज आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। अच्छा तो दिस इज द सेसना 206, इट्स अ न्यू एयरक्राफ्ट दैट आई हैवंट शोन इन एनी ऑफ माय वीडियोस, योर दिस इज द एक्सक्लूसिव वीडियो फॉर द सेसना 206। अगर आप ये एक्सक्लूसिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सुजा के चैनल पे जाकर देख सकते हैं। शुक्रिया।
टेक्निकल बातें तो आपको इस जहाज़ की शुजा ने बता दी है, मैं आपको बताता हूँ आम आदमी को क्या समझ आएगी इसमें, ये जहाज उस जहाज़ से क्यों बेहतर है। एक तो इसमें यार जगह बहुत ज़्यादा है, मतलब आराम से टांगे खोल के बैठो, कोई मसला नहीं। दूसरा, झुकना भी नहीं पड़ा मुझे। तीन दफ़ा वो छोटे वाले जहाज़ से ना तीन दफ़ा मेरा सर लगे। सो गुड सीन, दिस जहाज़ आई लव दिस। बाय द वे, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ये है वॉल्टन एयरपोर्ट। याद नहीं मैंने बताया था, नहीं मैंने कहा बता दूँ। और ये रनवे है, रनवे पे खड़ा हूँ। दिस इज़ अ पायलट फ्लाइंग लाइसेंस, और अगर आपके पास ये हो तो आप जहाज़ एक उड़ा सकते हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं है, शुजा का है। तो सीन ऑफ, शुजा की फ्लाइंग का टाइम हो गया और लाइसेंस का मेरे पास। थैंक यू फॉर कमिंग एंड इंशाल्लाह आपको दोबारा मिलेंगे। मैं भी थोड़ा सीनियर हो जाऊँ यहाँ पे, मैं आपको सही से दिखाऊंगा, ऊपर से भी सीन दिखाऊंगा। बाकी आई होप यू एंजॉयड दिस एंड चेक आउट माय यूट्यूब चैनल आई टेक नो वेट। इंस्टाग्राम पे काफ़ी ने आपको बता दिया, तो गुड सीन्स है, गुड वाइब्स है एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। फिन 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 एंड।